ऐसे खराब वक्त में है, आपको चिंता किसकी है? आप हमको चिंता दो आदमियों की है। एक तो हमारे बच्चे हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है, गायत्री परिवार के हमारे बच्चे जिनको हम अपने बच्चे कहते हैं, जिनको अपनी माता जी बच्चे कहती हैं। बाहर का भी ख्याल है और बच्चों का भी ख्याल है। दो हिस्सों में हमने अपनी शक्ति को बांट दिया है। एक शक्ति हमने बांट दिया है जो कि सारे संसार के लिए रखी है, और एक शक्ति हमने अपने कुटुंब के लिए रखी। मान लीजिए 100 रुपये महीने हम कमाते हैं, तो 50 रुपया हमने अपने बाल बच्चों का पालन करने के लिए, बाल बच्चों की ब्याह शादी के लिए, बाल बच्चों की हारी बीमारी के लिए, बाल बच्चों की दुख मुसीबत के लिए रखे हैं, और 50 रुपये हमने सारे संसार भर में जो दुख और कष्ट जो आने वाले हैं, दुनिया में जो तबाही पैदा होने वाली है, उसके लिए सुरक्षित रखा है। हमारे दो हिस्से हो गए हैं। अब 24 लाख इंसान भी हमारे हैं, ये कुटुंब भी है हमारे, और 500 करोड़ जो बाकी मनुष्य जाति रह जाती है वो कौन है आपकी? वो कुटुंबी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी संबंधी है, कुटुंबी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हमारा मित्र है, वो सारी मनुष्य जाति हमारी एक है। आत्मवत सर्वभूतेषु, हमें हमारी जीवात्मा के समान हमको सब भूत मालूम पड़ते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये दुनिया हमको अपने कुटुंब के समान मालूम पड़ती है, दोनों मालूम पड़ती है। तो 50% शक्ति उसके लिए हमने रखी है। आपका हम काम करेंगे और सारी दुनिया का काम करेंगे। गुरु जी के बिना हमारा कैसा काम होगा बेटा? हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फटती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फटते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फटते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुँचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुँचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुँचेंगे, तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया है। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे खानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे।